हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शॉर्ट्स वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे आलू और प्याज हैं। आलू को मैंने बॉइल्ड कर लिया और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी। इसमें मैंने टमाटर भी डाले हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने रखा है कढ़ाई, इसमें मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे डालेंगे जीरा और ये जब अच्छे से तड़क जाएगा फिर डालेंगे इसमें ग्रीन चिली खूब सारी, क्योंकि थोड़ा तीखा खाने का मन था आज मेरा। और फिर यहाँ पर फाइन चॉप किए हुए अनियन डालेंगे। तो बहुत ही अच्छे से चॉप किया गया है इसे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में। तो जो ये हमारा आलू है वो बॉइल्ड हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन चटनी भी तैयार हो गई है। तो ये जो अनियन है ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे सॉल्ट, हल्का सा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और हल्की सी हल्दी। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं खाने थे। और यहाँ पे मेरा जो आलू का मिक्सचर है वो भी रेडी हो चुका है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें खूब सारा कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। तो इसे मैंने देखिए अच्छे से भर दिया है और अच्छे से बनाएंगे इसको। आप लोग कैसे बनाते हो, किस में फ्राई करते हो? बहुत लोग इसे फ्राई, डीप फ्राई भी खाते हैं, बट मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही सेक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से देखिए इसमें भर दिया है, और ऐसा कि बाहर ना निकले। तो जब एकदम आपका जो मिक्सचर है जब एकदम अच्छे से स्टफिंग ठंडी हो जाए तभी आप आटे के अंदर इसे भरो, वरना बाहर फटने लगती है। तो बस ये हमारा जो है वो तैयार हो चुका है पराठा। और इसे तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, आलू के पराठे, चाय और टमाटर की चटनी, और यहाँ पे ग्रीन चटनी भी है। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया हो।